दोस्तों जोम्बीज कोरियन ड्रामास ऐसे कोरियन ड्रामास होते हैं जिनके अंदर आपको एक्शन, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिल और कई सारे इमोशन देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे बेहतरीन जोम्बीज कोरियन ड्रामास को इंक्लूड किया गया है जो एक दूसरे से बिल्कुल हटके और हैरत अंगेज होने वाले हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इनमें से ज्यादातर कोरियन ड्रामास आपको नेटफ्लिक्स में आसानी से मिल जाएंगे और जो कोरियन ड्रामास आपको नेटफ्लिक्स में नहीं मिलेंगे उनकी डाउनलिंग आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल में आसानी से मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मॉन्स्ट्रस। इससे 2022 में रिलीज किया गया था, उसे IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे टाउन की जहाँ पर लोगों को बुद्धा की शापित मूर्ति मिलती है, जिसे वहाँ के मॉन्क निकालने से मना कर रहे थे, पर फिर भी बुद्धा की उस शापित मूर्ति को वहाँ के लोग बाहर निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि इस मूर्ति की वजह से अब उनके टाउन में टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा और उनका टाउन फेमस हो जाएगा। पर होता है इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अब उनके टाउन में एक के बाद एक सुपरनेचुरल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जैसे काली बारिश होना, लोगों का अपने आप पर काबू ना रहना और एक दूसरे पर हमला कर देना जैसी चीजें उनके टाउन में होने लग जाती है। अब ऐसे में जोंग की हुन और ली सुजिन जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कैसे सुपरनेचुरल एक्टिविटी के पीछे की सच्चाई का पता कैसे लगाते हैं, ये सभी इस ड्रामा में काफी थ्रिलिंग तरीके से दिखाया गया है। इस ड्रामा में टोटल 6 एपिसोड है जिनकी लेंथ 34 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी मॉन्स्टर्स होते हैं जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मॉन्स्टर आखिर मॉन्स्टर ही होता है। नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है स्वीट होम। इससे 2020 में रिलीज किया गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में दिखाया गया है चाय यून सू को, जिसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और अब चाय यून सू का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रहता है। ऐसे में चाय यून एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करता है और फिर उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में रेड अलर्ट शुरू हो गया है, क्योंकि खतरनाक वायरस पूरे कोरिया में फैल चुका है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी से बदल रहे हैं। ऐसे में चाय यून पर भी उस वायरस का हमला हो जाता है, पर चाय यून उस वायरस को किसी तरह कंट्रोल कर पाता है, जिसके बाद वो उसकी पावर को यूज करके कैसे उस अपार्टमेंट फंसे हुए लोगों को अपनी टीम के साथ मिलकर बचाता है। ये आपको इस ड्रामा में काफी रोमांचक तरीके से दिखाया जाने वाला है। इस ड्रामा में टोटल 10 एपिसोड है जिनकी लेंथ 44 से 59 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। क्या आपको ये सचमुच लगता है कि इंसान के बनाए कानून से इंसाफ हो सकता है? नंबर 3 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है हेल बाउंड। इससे 2021 में रिलीज किया गया था, उसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक सुपरनेचुरल मॉन्स्टर कोरियन ड्रामा है जहां कहानी दिखाई जाती है कि कोरिया में एक के बाद एक सीरियस क्राइम हो रहे हैं और उसकी वजह सुपरनेचुरल मॉन्स्टर को बताया जा रहा है। वो मॉन्स्टर उन इंसानों को सजा देते हैं जिन्होंने कई बुरे कर्म किए होते हैं। उन इंसानों को वो मॉन्स्टर पहले ही बता देते हैं कि उसे किस समय मारा जाने वाला है, और जब वो समय पूरा हो जाता है तब कहीं से वो मॉन्स्टर आके उस विक्टिम को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरिया के डिटेक्टिव पर काफी दबाव होता है इस एक्टिविटी के पीछे जो भी है उसे पकड़ने का। पर हालात और भी खराब हो जाते हैं जब इस सुपरनेचुरल एक्टिविटी को न्यू तुत ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने लग जाती है और उसके समर्थन में कई और लोग भी आ जाते हैं। ऐसे हालात में क्या कोरिया की डिटेक्टिव इस सुपरनेचुरल एक्टिविटी के पीछे की रियल सच्चाई का पता लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और इसके अलावा इस ड्रामा में आगे कई और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है जिसकी वजह से ये ड्रामा आपके लिए मस्ट वॉचेबल हो जाता है। इस ड्रामा में टोटल 6 एपिसोड है जिनकी लेंथ 42 से 60 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। ट्रेन टू बुसान वाला सीन है। ज़ॉम्बी यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। नंबर 2 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। इससे 2022 में रिलीज किया गया था, उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कोरियन ड्रामास में से एक है, जहां कहानी दिखाई गई एक हाई स्कूल की जहां पर एक जीनियस साइंटिस्ट एक सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर पढ़ा रहा होता है और अपने लैब में साथ ही साथ कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। पर फिर एक दिन ऐसे ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक ऐसा वायरस बना देता है जो इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल देता है, जिसके बाद वो वायरस उसके लैब से निकलकर पूरे स्कूल में फैल जाता है और स्कूल से वो वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। और अब जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से, ये काफी टचिंग स्टोरी के साथ हमें स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा की विजुअल, साउंड इफेक्ट और हिंदी डबिंग काफी जबरदस्त है, तो इस ड्रामा को एक बार जरूर देखें, इससे बिल्कुल भी मिस ना करें। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ 53 से 72 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर वन पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है किंगडम। से 2019 में रिलीज किया गया था, उसे IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। एक बेहतरीन हिस्टोरिकल ज़ॉम्बी कोरियन ड्रामा है जहां पर कहानी दिखाई गई है जोशन ब्रेड की, जहां के राजा की एक रहस्यमय बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, जिसके बाद वहां के क्राउन प्रिंस उस वैद्य को ढूंढने जाते हैं जिसने उसके पिता का आखिरी बार इलाज किया था और जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बीमारी का शिकार हुए थे। पर उनकी ये खोज उन्हें एक ऐसे गांव पर लेकर जाती है जहां पर एक महामारी फैल रखी होती है और उस महामारी की वजह से वहां के कई लोग मारे जाते हैं। पर हैरानी की बात तो ये रहती है कि वही लोग जो महामारी का शिकार हुए थे वो रात होने पर ज़ॉम्बी से बदल जाते हैं और बाकी इंसानों में हमला करने लग जाते हैं और उन्हें भी अपनी तरह बना देते हैं। ऐसे में वहां के क्राउन प्रिंस अपने राज्य के लोगों को इस महामारी से कैसे बचाते हैं, ये आपको इस ड्रामा में काफी हॉरर थ्रिल के साथ दिखाया गया है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ 36 से 56 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप कोरियन ड्रामास की लिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपका फेवरेट कोरियन ड्रामा कौन सा है।